हेलो गाइड्स, तो आपके भी टाटा स्काई के सेटअप बॉक्स में स्टैंडर्ड वाई वाली प्रॉब्लम आ रही है, यानी रेड लाइट वाली प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप लोग आसानी से कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लीजिए ऑन, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों को आते रहेंगे। तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइड्स, आप लोगों को भी कुछ इस तरीके की आपकी टाटा स्काई के जो बॉक्स है उसके डिस्प्ले कुछ इस तरीके की शो हो रही है। यहाँ रेड लाइट अभी जो ऑन दिखाई दे रही है, तो गाइड्स अगर ये ऑन है तो इसे हमें रिमोट के इस बटन से इसे एक बार ऑन करना। अगर ये ऑन हो जाए तो हमारा सेटअप बॉक्स सही है। तो एक बार इसे इसके सामने प्रेस करते हैं तो ये हमारी ग्रीन कलर की लाइट हो गई। तो ये एकदम सही है सेटअप बॉक्स। तो गाइस, ज़्यादातर इस तरीके की ही प्रॉब्लम आती है। केवल मैं एक डिस इंजीनियर भी हूँ साथ में, तो मैं कहीं भी जाता हूँ जिस घर में, तो मैं ज़्यादातर पावर के बटन को ऑन किया और एलईडी के अंदर हम जो टाटा स्काई डिस्प्ले बहुत चला देता हूँ। तो इस तरीके की प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं हाथों हाथ ही कर देता हूँ। फिर भी कुछ प्रॉब्लम ऐसी है जो बहुत ही ज़्यादा आती है। तो अब वो प्रॉब्लम दूसरी वाली को किस तरीके से सॉल्यूशन किया जाता है, तो आज की इस वीडियो में वही प्रॉब्लम और बता दूंगा। ऐसे नहीं है केवल स्टैंड ये हमारे जो पावर के बटन को ऑन किया और रेड लाइट हट गई, बस यही प्रॉब्लम आती है। लेकिन एक प्रॉब्लम और है जो हमारे बरसात के दिनों में हमें सबसे ज़्यादा मिलती है। ये प्रॉब्लम हम जहाँ भी जाते हैं केवल वो प्रॉब्लम नहीं आती, केवल रिमोट के पावर बटन को ऑन किया बस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया, 200 रुपये मिल गए। लेकिन गाइस, कभी कभी तो इतनी प्रॉब्लम हो जाती है कि हमें वहाँ चेक करके आते हैं, फिर वापस हमें दूसरा सेटअप बॉक्स लेके जाना पड़ता है। और फिर क्यों गाइस, हम दूसरे सेटअप बॉक्स को जहाँ से हम कंपनी का सेटअप बॉक्स लेके आते हैं उसे हम रिपेयर नहीं कर सकते, हम कंपनी में ही भेजना होता है। क्यों, कंपनी के द्वारा हम लगे होते हैं कंपनी में, इसलिए वहीं भेजना होता है। लेकिन आप लोगों के भी वो पैसे अब वो 200 रुपये में मिले, वो आपकी जेब से मिले हैं अभी, इसलिए आप लोगों का फ़ायदा कराना हमारी सबसे इम्पोर्टेंट है। कि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर आप लोग मुझे सपोर्ट करिए और मैं आप लोगों का फ़ायदा ना कराऊँ, ऐसी कोई बात। तो आज के इस वीडियो में दूसरी जो प्रॉब्लम आती है स्टैंडर्ड वाई वाली, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करके मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो आप लोग मेरे वीडियो पर एंड तक बने रहिए, जिससे आप लोगों को समझ में आ सके और आप लोगों के भी 200 रुपये बच सके। तो चलो करते हैं वीडियो को वापस स्टार्ट। तो गाइस, ये आ रही है अभी भी रेड लाइट, इसे स्टैंडर्ड वाई रिमोट अलर्ट। तो हमारी स्टैंडर्ड वाई पे ये रेड लाइट है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इस बॉक्स को खोलना होगा। और बॉक्स को खोलने के लिए हमें इस स्क्रू ड्राइवर का हमें काम में लेना होगा। इसका मैंने पहले भी वीडियो बना दिया है गाइड्स के, आप लोगों को मात्र बहुत सारे इन सॉकेट के साथ में मिल जाएगा मात्र 55 रुपये के अंदर, और आप लोगों के बहुत ही काम आने वाला है। तो इनसे आप आसानी से खोल सकते हो, कैसे भी स्क्रू हो उन्हें आसानी से खोल सकते हो। तो ज़्यादा ये नहीं कि हम केवल ये टाटा स्काई को ये सेटअप बॉक्स को खोलने के लिए खरीदें, ये सारे में काम में आ जाएगा हमारे, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसे आसानी से खुल गया। ऐसे आप टेस्टर से इसे खोलना चाहते तो ये नहीं खुल पाता, क्योंकि ये एक इस डाई वाला स्क्रू है। आप लोगों को दिखाता हूँ मैं, ये डाई वाला स्क्रू है। तो इसे को रखते हैं साइड में और आप लोगों को बताते हैं स्टैंड वाइज। गाइस, यहाँ नीचे की ओर आप लोगों को एक ये स्क्रू और मिलेगा। ये स्क्रू आपके अगर गारंटी पीरियड के अंदर आपका सेटअप बॉक्स है तो आप लोगों को इसे फ्री में चेंज करवा लेना है। अगर नहीं है फिर उसके बाद में आप लोगों को इस नट को खोलना है, क्योंकि यहाँ पे एक गारंटी पीरियड की जो सील लगी होती है उसे हम खोलने के बाद में यह चेंज नहीं हो पाएगा। तो इसे इस तरीके से खोलने के बाद में ये सेटअप बॉक्स आपका आसानी से इस तरीके से खुल जाएगा। मैंने इसे कुछ टाइम पहले से क्लीन भी किया था, लेकिन इसे आप लोगों को अब क्या करना है, आप लोगों के पास घर में बाइक तो होगी, बाइक इसके ऊपर नहीं चढ़ानी है गाइस। अब इसके अंदर बाइक के पेंट्रोल से कुछ करना है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरीके। मेरे पास देखो ये आरपिन का तेल है, तो इस आरपिन के तेल से क्या करना होगा, आप लोगों के घर में मिल जाएगी एक ब्रश, ख़राब ब्रश तो मिल ही जाएगी। अगर इस ब्रश को लेना है कुछ इस तरीके से, ये जो हमारी है ये इन सब के ऊपर इन्हें बोला जाता आईसी, तो हमारी इन आईसीयों के ऊपर सारी के ऊपर अच्छी तरीके से इसे क्लीन करना है, कहीं भी डस्ट ना रहने चाहिए। ये हमारे बरसात में के दिनों में हमें सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम मिलेगी, क्योंकि इनके ऊपर हल्की हल्की ये रंजी बोला जाता है, जैसे डस्ट लग जाएगी, डस्ट लगने के बाद में सिलन आएगी और सिलन आने के बाद में ये प्रॉब्लम आ जाएगी और हमारा स्टैंडर्ड बाई पे ही सेटअप बॉक्स रुक जाएगा। तो इसे कुछ इस तरीके से एकदम क्लीन करना है। आप गलती से कभी पानी से मत कर देना गाइस, फिर बोलोगे
अक्सर आपने ऐसे क्या वीडियो बनाया जिसे हमने धोखे फिर इसे लगा दिया अच्छी तरीके से और सेट टॉप बॉक्स नहीं चल पा रहा है। गाइस उसके लिए मुझे गलती मत ठहराना कि अक्सर आपने इतनी बड़ी, मैं आप लोगों को ये तेल लगाई पानी मत समझना आप लोग, तो कुछ अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना है। और क्लीन करने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, इसे 15 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है धूप के अंदर। धूप के अंदर छोड़ने से हमारे जो अभी ये लगा रहे हैं आरपिन तेल, ये अच्छी तरीके से सूख जाएगा और इसे हमारी जो ये है सप्लाई शॉर्ट नहीं हो पाएगी और हमारा सेटअप बॉक्स एकदम सही तरीके से चलने लग जाएगा। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को कहीं भी जगह नहीं छोड़नी है, यहाँ छूट गई तो वहाँ से गई, तो एक जैसे मैंने इस आईसी को छोड़ दिया तो और बाकी सबको क्लीन कर दिया तो भी यह प्रॉब्लम आ जाएगी। ये नहीं है एक को कर दिया एक को छोड़ दिया, करना है तो सारी को करना है अच्छी तरीके से। और फिर आप लोगों के फिर भी ये प्रॉब्लम आए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, मैं आप लोगों को और भी सॉल्यूशन बताऊंगा। क्यों गाइस मैं टाटा स्काई और बहुत सी इन डिशों से जुड़ा हुआ हूँ तो आप लोगों को हर चीज़ की सॉल्यूशन बता दूंगा, बस आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहता है मुझे हर टाइम के। बस कमेंट आए किसी बंदे का और मैं हाथों हाथ उसे रिप्लाई दूं और वो मेरे इस चैनल मेरे वीडियो से बहुत ही खुश हो के भाई ने बस हमारा कमेंट आया और हमें हाथों हाथ आंसर दिया और हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया। बस मैं खुद यही चाहता हूँ कि हर बंदे के मैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करूँ। केवल डिस्क के अंदर या सीसीटी कैमरे की प्रॉब्लम कर सकता हूँ, आप कोई सगाई वाली या अदर कोई प्रॉब्लम के बारे में मुझे मत पूछ लेना। वैसे वैसे प्रॉब्लम का मैं कुछ ही सॉल्यूशन नहीं कर सकता हूँ, केवल मैं केवल ये डिस्क एंटीना और ये कैमरेस और डिजिटल हमारे कांटे इनकी ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जानता हूँ। तो गाइस आप 15 मिनट के लिए इसे छोड़ देते हैं, सॉल्यूशन हो गया है, हमारी ग्रीन कलर की ये लाइट आने लग गई है। अगर आप लोगों के भी इस तरीके से सेटअप बॉक्स सही हो गया है तो आई होप गाइस आप लोगों की ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लीजिए ऑन, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों को आते रहेंगे। तो टेक्निकल गुरु चैनल के अंदर आप लोगों के लिए ऐसे बहुत से वीडियो लाते रहेंगे, बस आपकी कमेंट की हमें वेट रहता है कि कब तक कमेंट आएगा और हम उसके ऊपर वीडियो बनाएँ या उसका सॉल्यूशन दें। तो बस आज के वीडियो में इतना ही।